हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा यूपी पेट बैच का छठा दिन और हम पढ़ रहे हैं इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, मेरा नाम है रितुल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किए हैं सारे एग्जाम्स। मैंने गेन किया है 98% इन यूबी ट्रिपल एससी पैट एग्जामिनेशन। एंड दिस इज माई कूपन कोड। अगर आप टेस्ट बुक पे टेस्ट देना चाहते हैं, आप टेस्ट बुक पे टेस्ट देना चाहते हैं, एक एस्पिरेंट हैं और आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, तो आप मेरा ये कूपन कोड MT8573 यूज़ करके पा सकते हैं 25% का डिस्काउंट और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और स्ट्रांग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गुप्त वंश, गुप्त वंश का जो अगर समय देखें आप, जो इनका टाइम पीरियड है वो है 275 से लेकर के लगभग 550 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका समय टाइम पीरियड है। इतने दिनों तक, इतने सालों तक गुप्त वंश भारत के ऊपर राज करता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो जब कुषाण साम्राज्य खत्म होता है, कुषाण साम्राज्य था उसका पतन होता है, तो इस कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर गुप्त साम्राज्य अपनी स्थापना करता है। गुप्त वैसे अभी क्लियर नहीं है कि इनकी ये कहाँ से थे, कैसे थे। गुप्त जो माना जाता है वो कि गुप्त मूलतः वैश्य रहे होंगे और यह साम्राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य के जितना बड़ा तो नहीं था, फिर भी इसने पूरे के पूरे उत्तर भारत पर लगभग कई सदियों तक, एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में पूरे के पूरे उत्तर भारत को बांधे रखा। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना के बारे में बात किया जाए तो इसका जो संस्थापक था, मैं एक एक पॉइंट लिखता चल रहा हूँ, संस्थापक कौन था, संस्थापक यानी कि पहला शासक, संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके गुप्त वंश के संस्थापक थे और गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, जाहिर सी बात है 275 से शुरू हुआ तो 275 ही होगा, है ना। तो इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के श्रीगुप्त और इसकी स्थापना हुई थी 275 ईस्वी पूर्व में। अब चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के बारे में हमने पढ़ लिया, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके बाद चलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के ऊपर। ठीक है, तो गुप्त जो अभिलेख हमें मिले हैं वहां से जो हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त गुप्त जो प्रथम था, यही गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक का जो अभिप्राय है मैं पहले लिख देता हूं, पहला स्वतंत्र शासक। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसके और उसके पहले के लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर आप साथ ही साथ मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलोगे, अपनी नोट्स बनाते रहोगे, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चीज़ें हैं। जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी नोट्स को एक बार ऐसे गो थ्रू कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम अपने जो गुप्त वंश का था वो पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है, ऐसा अभिलेखों में पता चलता है। ठीक है, और इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था महाराजाधिराज का जो एक टाइटल होता है वो धारण किया था, एक उपाधि होती है उसको धारण किया था। और चंद्रगुप्त जो प्रथम था ये था किसका पुत्र, इसके पिता का नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच कौन था, एक मिनट, घटोत्कच था गुप्त वंश का द्वितीय शासक। ठीक है, तो घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच का पुत्र। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्वत की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्वत की स्थापना की थी। ठीक है, कई सारे सम्वत के बारे में आपने सुना होगा, सक सम्वत है ना, विक्रमादित्य सम्वत, ऐसे ऐसे करके गुप्त सम्वत की स्थापना किसने की थी, इसको की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी का नाम था कुमारा देवी, और कुमारा देवी से इन्होंने, इसने की थी शादी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से की थी शादी, किसने की थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। और उस समय लिच्छवी, एक इंटरेस्टिंग बात है, कुमारा देवी से विवाह, ठीक है, उस समय जो लिच्छवी था वो दो पार्ट में था। ठीक है, एक था वैशाली का राज्य और दूसरा था नेपाल का राज्य।
तो लिच्छवी दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक वैशाली का राज्य और नेपाल का राज्य। तो इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से शादी करके वैशाली को मिला लेता है गुप्त साम्राज्य के अंदर। तो एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस निम्न में से किस शासक ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह करके लिच्छवी के एक बड़े पार्ट वैशाली को अपने जो अपने किंगडम है, अपने साम्राज्य है, उसमें शामिल कर लिया था। तो उसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो समय है, जो इसके शासनकाल का समय है, वो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है और वह लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से पैदा हुआ था। मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके कई सारी रानियां थी, तो उसमें लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से जिसका जन्म होता है उसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो राजनैतिक दृष्टि से जो गुप्त साम्राज्य है इसके उत्कर्ष का काल माना जाता है। उत्कर्ष का काल मतलब कि समुद्रगुप्त के समय में राजनैतिक और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है, इस समय गुप्त साम्राज्य काफी नाम कमाया, काफी उसकी उसमें बढ़ोतरी हुई, जो इसका साम्राज्य था वो काफी बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं। अब समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें पता चलता है वो कई सारे शिलालेखों से पता चलता है, बहुत सारे शिलालेख हैं जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त को पे जो सबसे प्रामाणिकता जिसकी सिद्ध हुई है, जिस अभिलेख की प्रामाणिकता सिद्ध हुई है, उस अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, ये मिला है कहाँ पे, इलाहाबाद प्रयाग से। आपको पता ही होगा कहाँ पे हो सकता है, तो इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति। और इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था हरिषेण ने। हरिषेण एक कवि थे जिन्होंने इसको लिखा था। तो हरिषेण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति सबसे प्रामाणिक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, अब जब ये गद्दी पे बैठता है तो समुद्रगुप्त ने एक दिग्विजय की योजना बनाई। दिग्विजय क्या होता है, दिग्विजय मतलब कि आप पूरी की पूरी पृथ्वी जीत लीजिए, उसको दिग्विजय बोला जाता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि इसके इस योजना को पूर्ण करने के लिए उसने एक एक योजना बनाई। इस योजना को नाम दिया था धरणी धरण, ऐसे कुछ। हाँ, धरणी धरण या धरण धरणी बंध बोला था शायद। ठीक है, हाँ, धरणी बंध ही बोला था, धरणी बंध बोला था। और धरणी बंध का मतलब होता है कि पूरे के पूरे भूमि को बांधना। ठीक है, पूरे की पूरी भूमि को बांध देना, एक एक राज्य के अंदर पूरी की पूरी भूमि को बांध देना, इसका मतलब होता है। तो उसने धरणी बंध की योजना बनाई और शुरुआत करता है अपना अश्वमेध यज्ञ। आपने सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, भगवान श्री राम ने किया था। और दूसरा कोई अगर आप सुनोगे तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कराया था, भगवान राम ने कंप्लीट कराया था, वैसे ही इन्होंने कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ जब इनका पूरा होता है तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम नाम की उपाधि धारण करता है कौन, समुद्रगुप्त। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है वीए स्मिथ है। हाँ, वीए स्मिथ। ठीक है, वीए स्मिथ इनका नाम है। वीए स्मिथ ने किसको, समुद्रगुप्त को बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला है, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो बार कमीशन ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो अगर आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, उत्तर में कश्मीर तक, और हाँ, उत्तर में कश्मीर तक। अब उत्तर से कश्मीर और वहीं से अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे, पश्चिम जाएंगे, तो पश्चिम में पूरा का पूरा ये आपका जो पाकिस्तान का एरिया है वहां तक फैला हुआ था। ठीक है, समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा कवि था। ठीक है, इसीलिए इसने एक उपाधि ली थी जिसका नाम था कविराज। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली थी, तो वो ली थी समुद्रगुप्त ने। और एक वीणा बजाते हुए इसने एक सिक्का भी लॉन्च किया था, लॉन्च किया था मतलब जारी किया था। ठीक है, तो जिसपे ये वीणा बजाते हुए नजर आया है।
इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि वीड़ा बजाते हुए किसकी जो रुपए हैं और किसके सिक्के हैं वो मिले हैं, वो है समुद्रगुप्त के। ठीक है, अब श्रीलंका का एक शासक है जिसका नाम था, शासक था है नहीं, ठीक है, श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन, और उसने गया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगी थी किससे, समुद्रगुप्त। किसने? तो उसने इसके लिए एक दूत भेजा था अपना समुद्रगुप्त के पास, किस चीज़ के लिए, अनुमति मांगने के लिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, बस इतनी चीज़ें हैं समुद्रगुप्त के बारे में जो आपको पढ़ना है, और इसको आप लिख लीजिए, कुछ भी करिए, आई डोंट केयर, बट मुझे इतना पता है कि क्वेश्चन समुद्रगुप्त से आ सकता है। ठीक है, समुद्रगुप्त से आने का कारण यह है कि आयोग डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा यार, ठीक है, तो पूछ सकता है। बढ़ते हैं, अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो विक्रमादित्य इनका नाम नहीं था, विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी, तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब समुद्रगुप्त के बाद देखिए, हाँ अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 380 से लेकर के 413 ईस्वी पूर्व तक, 380 से 413 ईस्वी पूर्व तक। थोड़ा सा पीछे देखिए, देखिए स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए 335 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक। और समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक है वो है चंद्रगुप्त, लेकिन समय का देखिए आप, यहाँ पे 380 और यहाँ पे 375। आप कहेंगे सर बीच का 5 साल कहाँ गया, तो देखिए बीच का 5 साल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का बड़ा भाई एक था जिसका नाम था रामगुप्त, और एक वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल शासक था, ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, जो जानकारी गुप्त वंशावली में मिली है उसके हिसाब से, कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई जिसका नाम था रामगुप्त, वो एक बहुत दुर्बल शासक था, हमेशा ही हमेशा वो विलासिता में डूबा हुआ रहता था, हमेशा शराब पिए पड़ा रहता था। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही कायर शासक था कौन, रामगुप्त। रामगुप्त के समय में एक राजा था, उसका पड़ोसी राज्य में एक राजा था जिसका नाम मुझे याद नहीं हो पा रहा, रिकॉल नहीं पा रहा, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसका, उसने क्या किया कि रामगुप्त की पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके सुंदरता की चर्चाएं पूरे के पूरे भारत में हुई थी, तो उसने क्या किया कि वो काफ़ी, जो इसका पड़ोसी शासक था वो काफ़ी शक्तिशाली था, और उसने कहा कि आप अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दीजिए, अदरवाइज हम कर देंगे आपके ऊपर आक्रमण। तो इसने क्या किया, किसने, रामगुप्त ने अपनी पत्नी को उस जो राजा था उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद आती है चंद्रगुप्त को गुस्सा, चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इसने क्या किया कि अपनी भाभी को बचाने के लिए अपनी भाभी को नहीं भेज करके खुद वेश बदल करके साड़ी पहन करके क्या करता है कि 1000 जो क्या बोलते हैं उसको, पालकी, पालकी बोलते हैं ना, हाँ पालकी तैयार करवाता है और वहाँ पे संदेश भिजवाता है कि रानी अकेले नहीं आएंगी, रानी के साथ रानी की दासियाँ भी आएंगी, और खुद क्या करता है कि अब रानी का वेश बदल करके और अपने जो योद्धा थे उनको भी वेश बदलवा करके उनकी दासी के रूप में और उसी के साथ हो लेता है, और हर एक जो पालकी होती है उसको चलाने के लिए 4 आदमियों की ज़रूरत होती है, तो क्या करता है, 4 नहीं शायद 2 की होती है, जो भी होता है, तो उसने क्या किया अपने सैनिकों को उस काम पे लगाया और सभी पालकियों के अंदर रखे थे हथियार, और जाता है उस शासक को मारता है, हराता है, और अच्छा वहाँ जाने से पहले, अब राजा तो अलाउ नहीं करेगा ना, राजा जब अपनी पत्नी को जाने के लिए, क्योंकि युद्ध ना हो इसी वजह से अपनी पत्नी को भेज रहा है, तो इतना बड़ा रिस्क तो लेगा नहीं, तो उसने क्या किया अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारता है और खुद निकलता है वेश बदल करके उस राजा को मारने के लिए, और वहाँ पे जा करके उस राजा को हराता है, मारता है, और मारने के बाद लौट करके जो रामगुप्त थे, रामगुप्त की जो वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था प्रभावती, उसको उसके साथ कर लेता है शादी। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, और विक्रमादित्य की उपाधि इसने के लिए किस लिए ली उसकी बात चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष के चरम पे था, शिखर पे था, ऐसा बोलें कि इसकी जो सबसे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो गुप्त वंश है वो फैला हुआ है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने देखिए कई तरीके से, लड़ाई से या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके, दोनों प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और इसने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती, प्रभावती कौन थी, इसकी पुत्री थी,
और इसका विवाह प्रभावती इसकी पुत्री थी और अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह था वो किया वाकाटक, ठीक है, क्या वाकाटक के शासक थे रुद्रसेन, वाटावक के शासक रुद्रसेन से इसकी इसका विवाह करता है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं कि रुद्रसेन के बारे में क्यों पढ़ाना, देखिए तो रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है बहुत पहले और उसके बाद उसका जो नाबालिग बच्चा है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन क्योंकि वो नाबालिग था ऐसे में जो पूरी की पूरी कमान थी शासन की वो संभालता था कौन, इसकी पुत्री प्रभावती। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि रानी प्रभावती निम्न में से कहाँ, निम्न में से किस राज्य की शासिका थी, या फिर ऐसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया प्रभावती के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब वाकाटक के शासक रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह करता है और उसी के शासक की सहायता से, वाकाटक के शासक की सहायता से चंद्रगुप्त ने शक को पराजित किया, शक को पराजित कर किया और जिसके उपलक्ष्य में इसने एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसका नाम था रूपक। ठीक है, जिसका नाम था रूपक। रूपक क्या था, रूपक एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए, रूपक क्या था, रूपक था चांदी का सिक्का, रूपक था चांदी का सिक्का, रूपक चांदी का सिक्का था जो चलाया गया था, जो जारी किया गया था किस चीज में, ये जारी किया गया था शक विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, शक विजय के उपलक्ष्य में, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। मैं आपको बता रहा हूं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और इसके पहले मैं समुद्रगुप्त के बारे में बताया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूपक जारी किया और इस विजय के पश्चात, शक के विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने एक और, चंद्रगुप्त को कहा गया साकारी और एक और इसने क्या किया, टाइटल जो है ग्रहण किया, जारी धारण किया जिसका नाम था विक्रमादित्य। शक को पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो उपाधि मैंने पहले ही बताया कि विक्रमादित्य इसका नाम नहीं था, ये तो इसने उपाधि धारण की थी किसके बाद, शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके बारे में जो भी हमें अभिलेख और मुद्राओं से पता चलता है उसमें इसको कई सारे नामों से बुलाया गया है, देवी श्री, विक्रम, विक्रमादित्य, सिंह चंद्र, परम भगवत, ऐसे ऐसे करके कई सारे नामों से जो है इसको बुलाया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है परम भागवत का। ठीक है, परम भागवत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परम भागवत उपाधि से एक अनुमान लगाया जाता है कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किसका, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इससे पता चलता है क्योंकि इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की है। परम भागवत क्या है, ये जब आप वैष्णव धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कई सारे धर्मों के बारे में, तो वहां पे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब इसका जो साम्राज्य था वो पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पहली जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद अपनी इसने अपने राजधानी की शिफ्टिंग की और शिफ्ट करके इसको कहां पर स्थानांतरित किया, इसको स्थानांतरित किया उज्जैनी में। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा उज्जैनी, ऐसे लिखा जाएगा, ये तो तुम गलत लिख रहे हो, ऐसे लिखा जाएगा उज्जैनी, उज्जैनी, हाँ ऐसे लिखा जाएगा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पे शिफ्ट की, उज्जैनी में शिफ्ट की और ये दो के दोनों नगर पाटलिपुत्र हो पर यहाँ पे लिख दूँ ना शिफ्ट। ठीक है, पाटलिपुत्र से कहाँ पे शिफ्ट कर दी, उज्जैनी में शिफ्ट कर दी और ये दो के दोनों नगर शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र माने जाते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो ये जो समय था, ये समय को कहा जाता था कि ये स्वर्ण युग है। किस चीज़ का? साहित्य और कला का। अभी मैं जब आपको अलग से बताऊंगा साहित्य के बारे में, कला के बारे में और आर्किटेक्चर के बारे में, गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में, तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा कि किस लिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता था। लेकिन इसका जो ये समय था, इसका जो टाइम पीरियड था, ये साहित्य और कला का स्वर्ण युग था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ किसका स्वर्ण युग। ये स्वर्ण युग अभी आपको कई जगहों पे मिलेगा, साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग इसको माना जाता था, ये माना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल को। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न आज भी नवरत्न है, बताइएगा वो नवरत्न क्या है जिसको पता हो। नवरत्न थे, इनके नवरत्न थे जिसमें अगर आपको मैं बताऊं, ऐसे ही लिखूंगा नहीं, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, वररुचि और घटकरपर। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, इन तीनों, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बाकी सबके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कालिदास, वराह मिहिर और आप धन्वंतरी, ठीक है, कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरी, इनका तीन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, बाकी सबके आप रखिए या ना रखिए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक नाम आपने सुना होगा, फायान। ठीक है, फायान की वेनसांग बताइए, फायान की वेनसांग, फायान, फायान क्या था? एक चीनी यात्री था, चीन से आया था। तो ये एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, और ये कब आया था? ये आया था 399 ईसा ईस्वी में। ठीक है, और गया कब ये? ये गया 412, मतलब 13 साल ये भारत रुका था। 13 साल की जर्नी में इसने क्या किया कि कई सारे किताबें लिखी जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में अपने उसका गुप्त साम्राज्य का जिक्र किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि फायान जो एक जो कि एक चीनी यात्री था, ये भारत निम्न में से किस शासक के काल में आया था? तो ऑप्शन से आपके जो भी रहे, आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 413 ईस्वी में, इनका टेस्ट का पहले टाइम पीरियड लिख देता हूँ, 413 से लेकर के 455 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी तक में, बार बार पूर्व वो पढ़ाया था ना आपको, मौर्यन अम्पायर, सिंधु घाटी सभ्यता, वही माइंड में चल रहा है, ईस्वी पूर्व नहीं, ये सब ईस्वी के बाद में हुआ, ईस्वी पूर्व के बाद में हुआ। ठीक है, मतलब कॉमन एरा की बातें चल रही है अब। तो कुमारगुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी तक, और देख आपको देख के ही लग रहा होगा इतना बड़ा टाइम पीरियड है, मतलब काफ़ी दिनों तक राज किया इसने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का के बाद ये कुमारगुप्त बैठता है गुप्त साम्राज्य की गद्दी पे, और इसकी माता का नाम था ध्रुव देवी, पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। अब सबसे ज़्यादा अभिलेख किसी शासक काल के बारे में मिले हैं गुप्त वंश के, तो वो है कुमारगुप्त प्रथम। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं किसके बारे में? कुमारगुप्त प्रथम। मुझे लग रहा है ये अभिलेख ही लिखवा रहा था, बाकी बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए इसने। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के शासनकाल में मिले हैं, और इसके अभिलेखों में और जो इसके अभिलेख और मुद्राएं उस समय की हैं, जो उससे पता चलता है कि इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जिसमें से आपको मैं बताऊं तो महेंद्र कुमार, ठीक है, महेंद्र सिंह, श्री महेंद्र है ना, महेंद्र अगर दिख जाए तो कुमारगुप्त है। अगर आपको एग्जाम में महेंद्र दिख गया तो वो क्या है? वो है कुमारगुप्त। और एक इम्पॉर्टेंट है गुप्त कुल व्योम की उपाधि किसने धारण की? कुमारगुप्त प्रथम ने। आपके पेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा ये तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, लेकिन किसी और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है गुप्त कुल व्योम, ठीक है, की उपाधि कौन धारण किया? ये धारण किया कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किसने किसने की ये की कुमारगुप्त प्रथम ने। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कुमारगुप्त के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसने बहुत सारे बड़े बड़े काम नहीं किए समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह, इसने जो काम किया बस इतना ही था और कुछ नहीं। स्कंदगुप्त का जो समय माना जाता है वो माना जाता है ये बेटा था किसका, ये बेटा था कुमारगुप्त प्रथम का। और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद 455 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा, और जो जब इसकी मृत्यु हुई वो कब हुई, वो हुई 467 ईस्वी में। तो स्कंदगुप्त का जो समय पीरियड है वो यही माना जाता है 455 से 467 ईस्वी पूर्व तक। ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, मतलब इसके बाद कोई इतने बड़े राजा हुए नहीं जितने बड़े राजा आपके आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम ये सब हैं, इतने बड़े राजा हुए नहीं किसी ना किसी कारण से। मैं कारण भी अभी बताऊंगा, उन कारणों से गुप्त वंश धीरे धीरे खत्म हो गया। अंतिम प्रतापी राजा कौन था, स्कंदगुप्त। और इसने कई सारी उपाधियां ली थी जैसे देवराज, ठीक है देवराज, उसके बाद विक्रमादित्य, आपको विक्रमादित्य से याद आएगा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है विक्रमादित्य किसके, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने किसके उपलक्ष्य में लिया था, तो शक को पराजित करके जो उसने उपाधि धारण की थी वो थी विक्रमादित्य, ठीक है इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली। इसके अलावा एक और है क्रमादित्य करके करते हैं, लेकिन उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप याद भी मत रखिए, देवराज और विक्रमादित्य बस इसको याद रखिए। इसके अलावा आपको मैंने कल वाले लेक्चर में एक झील का नाम बताया था जिसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है सुदर्शन झील बनवाया किसने था, इसको बनवाया था मौर्यों ने, मौर्यों ने बनवाया था ना, तो सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जीर्णोद्धार करवाया किसने, स्कंदगुप्त ने करवाया। इसके अलावा स्कंदगुप्त की दो विजय हैं, दो ऐसी लड़ाइयां हैं जो आपको याद रखनी हैं, एक तो है जो इसने पुष्यमित्रों को हराया और दूसरी है हूणों को हराया, ठीक है एक इसने दो विजय हैं, दोनों विजय का मैं नाम लिख देता हूं, एक है पुष्यमित्रों को हराने वाली विजय जिसमें जिस लड़ाई में इसने पुष्यमित्रों को हराया, और दूसरी है हूणों पर विजय, ठीक है ये दो लड़ाइयां हैं स्कंदगुप्त के बारे में जिसे हमें याद रखना है। पुष्यमित्रों, कुमारगुप्त ने क्या किया था कि अपने जीवन के अंतिम समय में गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्र करते हैं आक्रमण, और उस समय शासक कौन था, स्कंदगुप्त। तो इसने क्या किया कि अपने खुद ही नेतृत्व करने चला गया, इसने अपने जो सेनापति थे उसको नेतृत्व न कर का आदेश न देते हुए खुद क्या करता है, नेतृत्व करता है और पुष्यमित्र को पराजित करता है। और ये जो विजय है ये सबसे महत्वपूर्ण विजय है स्कंदगुप्त के पूरे जीवन काल की, ठीक है। और दूसरी एक विजय है हूणों पर, हूण कौन थे, ये काफ़ी ज़्यादा बर्बर किसको बोलते हैं, जो काफ़ी क्रुएल्टी से मारते हैं लोगों को, है ना, हूण काफ़ी बर्बर योद्धा हुआ करते थे जो मध्य एशिया से आए थे, और ये खानाबदोश प्रजाति के होते हैं, खानाबदोश प्रजाति मतलब जो इंसानों को भी खा जाएं, है ना, तो उस तरह के ये लोग थे। और हूणों के ऊपर हूण क्या थे, उनसे लोग डरते थे कि जो भी मध्य एशिया के हूण जो थे वो आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल करके, पूरे वर्ल्ड का मतलब ऐसा नहीं कि चले गए अमेरिका मारने, है ना, तो हूणों का जो आक्रमण होता था वो बहुत बहुत ही बर्बर तरीके से वो लोग मारते थे। तो इस वजह से ये जो विजय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हूणों का जो गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण होता है उस समय स्कंदगुप्त का शासनकाल था, और स्कंदगुप्त को इसने क्या किया, ये लोग सोचे थे कि हटा करके हम गुप्त साम्राज्य का वो खत्म कर देंगे और पूरे के पूरे भारत पर हमारा शासन हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि स्कंदगुप्त ने खुद सिंहासन पर ही बैठा रहा और क्या किया कि अपने लोगों को, अपने सेनाओं को भेजता है हूणों पर, हूणों की लड़ाई के में। और फिर होता क्या है उसने उसमें कि स्कंदगुप्त की सेनाएं हूणों को परास्त करती हैं, और ना तो केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा करता है बल्कि आपका, देखिए उस समय अगर गुप्त खत्म हो गए होते तो आपका आर्य सभ्यता खत्म हो गई होती, आर्य की संस्कृति खत्म हो गई होती, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक कम्युनिटी जो इस तरीके से बर्बर तरीके से लोगों को मार देती है तो संस्कृति किस तरह से रहती है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्कंदगुप्त ने आर्य सभ्यता को और
आर्य सभ्यता की जो संस्कृति थी उसको नष्ट होने से बचाया, किससे लड़कर के? हूणों से लड़कर के और उनको हरा करके। तो हूणों पे जो विजय हुई, हूणों पे की जो विजय थी उसका उल्लेख हमें जो मिलता है वो मिलता है एक गाजीपुर में एक अभिलेख है जिसका नाम है वितरी स्तंभ। ठीक है, वितरी स्तंभ, यहीं से हमें हूणों के ऊपर जो विजय हुई थी उसके बारे में पता चलता है। अब स्कंदगुप्त के बाद पूरे के पूरे गुप्त साम्राज्य में कोई भी ऐसा बचा नहीं, कोई भी ऐसा राजा बचा नहीं जो हूणों को रोकने में सफल हो पाया हो, और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। जो अंतिम शासक था गुप्त वंश का, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ स्कंदगुप्त वाले सेक्शन में, जो अंतिम शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य से मत कंफ्यूज होना है ना, वो अलग आदमी है, ये अलग है। तो विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक था गुप्त साम्राज्य का वो कौन था? वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त लिखा है क्या, गुप्त लिख देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले देखेंगे कि गुप्त काल में जो भारत के लोगों का सामाजिक जीवन था, मतलब उस समय जो गुप्त काल में सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो जो जातियां थी वो उपजातियां में विभक्त हो चुकी थी। मतलब पहले आप देखें, आपको मैंने बताया कि वैदिक जीवन में किस तरीके से वर्ण व्यवस्था चरम पे थी। वर्ण व्यवस्था चरम पे नहीं थी, स्टार्टिंग में ठीक था, लास्ट में चरम पे आ गई, अपने उसका जो गलत रूप है वो आ गया। तो जातियां विभक्त थी उपजातियों में। ठीक है, इसके अलावा जो आज आप त्रिमूर्ति की संकल्पना देखते हो, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति कौन लिखता हूं मैं, जो आप त्रिमूर्ति के बारे में देखते हो, कौन त्रिमूर्ति, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो गुप्त काल के पहले इन लोगों का, इन लोगों के बारे में आप कुछ मिलता नहीं है। त्रिमूर्ति की जो संकल्पना है वो शुरू होती है गुप्त काल में, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है शुरू। ठीक है, इसके अलावा जो भगवद गीता की रचना है वो भी इसी समय में की गई। एक मिनट, यहाँ पे होना चाहिए धार्मिक जीवन, चेंज कर लेना इसको। ठीक है, धार्मिक जीवन, तो इसी के बाद इसी काल में भगवद गीता की रचना होती है, और जो मूर्ति पूजा है वो इस समय तक सामान्य तौर पर प्रचलन में आ चुकी थी, और काफी तेजी से मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा था। भगवद गीता है ये, सॉरी भगवद गीता, एक बार इरेज करके ही लिख देता हूं मैं। भगवद गीता है ना, इसके अलावा जो मूर्ति पूजा थी वो प्रचलन में आ चुकी थी। और गुप्त काल में ही दो जगहों पे मैंने आपको बताया था, एक पाटलिपुत्र में तो हुई ही थी, वल्लभी बताया था। वल्लभी में गुप्त काल में ही जैन संगीति का आयोजन होता है। कहाँ पे? वल्लभी के अंदर, है ना, वल्लभी में जैन संगीति का आयोजन होता है सामाजिक इसी के समय में, धार्मिक जो युग था ये गुप्त काल का धार्मिक युग इसी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने पढ़ा धार्मिक जीवन, अब हम पढ़ेंगे कला एवं स्थापत्य। ठीक है, कला और स्थापत्य के बारे में। अब देखिए जो गुप्त काल का कला और स्थापत्य आप देखेंगे तो ये, इसको कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता था गुप्त काल को। गुप्त काल को क्या बोला गया है? कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग बोला गया है। ठीक है, आपको जो गुफाएं मिलेंगी कौन कौन सी? अजंता की गुफाएं, अजंता के अलावा उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, इन सब जगहों पे, अच्छा एक जगह और है जिसका नाम है वाघ, वाघ की गुफाएं। इन सब जगहों में जो ये गुफाएं जो बनाई गई, जिसमें अलग अलग कहानियों को जो है चित्रों के माध्यम से बताया गया है, वो सब के सब इसी गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाएं हैं, इसमें क्या किया गया है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से जातक कथाओं के थ्रू क्या किया गया? जातक कथाओं को बताया गया है चित्रों के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो है जातक कथा, सॉरी जातक कथा के बारे में बताया गया है। तो जो ये युग था इसको स्वर्ण युग माना जाता था, किस चीज का? कला और स्थापत्य का। ठीक है, इसके अलावा
झांसी में एक मंदिर है जिसका नाम है दशा अवतार का मंदिर, दशा अवतार का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा एक और मंदिर है आपका भीतर गांव, भीतर गांव का मंदिर, ठीक। भीतर गांव कहाँ पे है? कानपुर में है। इसके अलावा भूमरा का मंदिर, ये सब के सब गुप्त काल का, भूमरा का मंदिर गुप्त काल के समय के स्थापत्य कला का एक नमूना पेश करते हैं। दशावतार का मंदिर कहाँ पे है? ये है झांसी में। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पे है? ये है कानपुर में। भूमरा का मंदिर कहाँ पे है? ये है नागौर में, ठीक है। तो ये तीन चार मंदिर हैं जो ये, रुकिए इसको इरेज करना पड़ेगा। भूमरा का मंदिर कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये है नागौर में। और ये जो मंदिर हैं ये इस बात को इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं कि कला और स्थापत्य का क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है वो है विज्ञान। देखिए विज्ञान, विज्ञान में अगर आप देखेंगे तो जो गुप्त काल था उसने विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो या फिर आपका ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, सब में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया, काफ़ी उन्नति हुई। और आपको जो दशमलव और शून्य आप देखते हैं वो उसका भी जो खोज हुई वो इसी युग में हुई है, ठीक है। दशमलव और शून्य की खोज किस युग में हुई? तो वो हुई थी गुप्त काल में, दशमलव और शून्य की खोज। आर्यभट्ट इसी इसी काल में आपको आर्यभट्ट देखने को मिलेंगे। आर्यभट्ट की दो रचनाएं हैं, ठीक है। आर्यभट्ट की दो रचनाएं हैं, एक का नाम है आर्यभट्टीयम, आर्य भट्टियम, और दूसरी का नाम है आर्य सिद्धांत। ये दो रचनाएं प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है कि आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आर्य आर्यभट्ट और आर्य दोनों में है, तो आप डायरेक्टली इसको इजिली याद कर सकते हो यार, ऐसे याद रखो, ठीक है। आर्यभट्टियम में इन्होंने शून्य और प्रथम नौ अंकों के बारे में लिखा गया लिखा है कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 और पहले नौ अंकों के बारे में आर्यभट्टीयम में इन्होंने लिखा गया लिखा है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम बताया और जिससे त्रिकोणमिति का जन्म होता है। आर्यभट्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज का डिस्कवरी की थी जिसका नाम था, जिसके बारे में बाद में कैपलर ने बताया। तो उसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमण करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है। इसके पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी एक जगह पे है, सूर्य चारों तरफ घूमता है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी अपने धुरी पे है और सूर्य के चारों ओर घूम के चक्कर लगा रही है, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने ही निकाला था। और इन्होंने जो अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि बताई थी, आर्यभट्ट ने अनुमान के आधार पे जो पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था कि पृथ्वी की परिधि लगभग इतनी है। आज जब इसको नापा गया है, आज के समय में जब आज का विज्ञान इतना फ्लोरिश कर गया है, इतना आगे निकल गया है, तो वो सही साबित हुई है। पृथ्वी की परिधि जितना इन्होंने बताया था उतना सही निकला है, जबकि इन्होंने अनुमान के आधार पर बताया था, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको मिलेंगे वराह मिहिर, वराह मिहिर इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाते हैं? अभी मैं बताता हूं। पहले इनकी दो रचनाएं हैं, एक नाम है बृहत संहिता, एक का नाम है बृहत संहिता, और दूसरी का नाम है पंच सिद्धांता। ये दो इंपॉर्टेंट बुक हैं जो लिखा था किसने, इसको लिखा था वराह मिहिर ने। ये दो रचनाएं हैं जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। खगोल शास्त्र किसको बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी को, है ना। और इन्होंने यह सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वराह मिहिर ने ही सिद्ध किया कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।
चारों ओर घूमता है। इसके अलावा पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है और इन्होंने ग्रहों के संचार और खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया था। यूनानी भी उस समय बहुत आगे हुआ करते थे एस्ट्रोनॉमी के मामले में, तो इन्होंने उनकी कई सारे कृतियां, कई सारी रचनाओं का सहारा लिया था क्या करने में, अपना खगोल शास्त्र पढ़ने वगैरह में। ठीक है, देखिए इसके अलावा अभी चलिए विज्ञान इतना फ्लोरिश क्यों किया गुप्त काल में, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और जो आपके इम्पोर्टेंट मिलते हैं जो एस्ट्रोनॉमर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोनॉमर क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इनके गुप्ता एज के बारे में, सबके बारे में करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मगुप्ता ने एक रचना है इनकी, उसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत की रचना की किसने, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, और इस रचना में इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है और इन्होंने ही गणित में शून्य के महत्व को समझाया। ठीक है, इसके अलावा धन्वंतरी जो बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते हैं, धन्वंतरी और सुश्रुत ये दो ऐसे चिकित्सक हैं जो बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते हैं प्राचीन काल के, ये गुप्त काल में ही थे। ठीक है, और इन्होंने धन्वंतरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रस चिकित्सा। मैं किताबों पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यूपी का जो ये आयोग है UP SSSC, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे किताबों पे डायरेक्टली पूछ के रखा है। ठीक है, रस चिकित्सा इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा और तांबा ये सब के सब रोग को ख़त्म करने की शक्तियाँ इन सब जो धातुएं हैं इनमें विद्यमान हैं। ठीक है, ये किसने सिद्ध किया, धन्वंतरी ने, और धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, आयुर्वेद का पिता किसको माना जाता है, ये माना जाता है धन्वंतरी को। ठीक है, और ये किसके दरबार में थे, धन्वंतरी थे, मैंने आपको जब बता रहा था मैं आपको नवरत्न उस समय बताया था कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ठीक। इसके अलावा एक और आपको मिलेंगे वाग्भट्ट की एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है अष्टांग हृदय। एक मिनट, जिसका नाम क्या है, अष्टांग हृदय। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा यार, ठीक है, अष्टांग हृदय। तो वाग्भट्ट ने आयुर्वेद का एक ग्रंथ लिखा है वो अष्टांग हृदय। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मूल रूप से एक जो क्वेश्चन होता है कि आखिर विज्ञान गुप्त वंश में इतना फ्लोरिश क्यों किया, जबकि उस समय बाकी सभ्यताएं आप देखेंगे तो वो क्या हो गई थी, सबके सब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। देखिए कारण ये है कि आपको मैंने पूरा गुप्ता साम्राज्य पढ़ा दिया लेकिन आपको मैंने सिर्फ हूड़ की लड़ाई और पुष्यमित्र वाली लड़ाई ना बताऊं तो कहीं पे भी मैंने लड़ाइयों का जिक्र नहीं किया। तो इनके जो ये समय था, ये जो शासन काल था गुप्ता वंश का, उसमें आपको दिखेगा पीस, ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित थी, लड़ाइयाँ बहुत कम हुआ करती थी, लोगों का ध्यान लड़ाइयों की तरफ नहीं था, और जब भी कोई देश कोई राज्य लड़ाइयाँ ना करके क्या करता है, केवल और केवल लड़ाइयाँ नहीं करता है और अपने ऊपर ध्यान देता है, तब वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और ये कई सारी चीज़ें हैं जो फ्लोरिश करती हैं। ठीक है, वो काफ़ी उन्नति से आगे बढ़ती हैं, काफ़ी उन्नति करती हैं। ठीक है, तो यही एक कारण था कि जो आपको स्थापत्य कला का जो स्वर्णवर्ग युग कहा जाता है, विज्ञान में देखिए इन्होंने कितना, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान, उसके चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो चाहे आपका गणित के क्षेत्र में हो, हर जगह पे किस लिए इतना फ्लोरिश की ये युग फ्लोरिश क्यों किया जो आपका गुप्त वंश था, तो यही सब कारण होते हैं किसी भी एक राज्य को आगे बढ़ने में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है वराह मिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। ऑप्शंस हैं विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और पृथ्वीराज चौहान।
तो मैंने अभी आपको ये भी बताया कि वराह मिहिर और कालिदास नवरत्न थे किसके दरबार में, ये थे विक्रमादित्य के दरबार में। पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये कहाँ पे थे, ये थे इनके दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में। एक इम्पॉर्टेंट है हो जाता है थोड़ा सा, कि कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो एक बार मैं आपको कुछ रचनाएं बता दे रहा हूँ, जो आपको याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। कालिदास की रचनाएं, जिसमें सबसे जो बड़ी मानी जाती है वो मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके बाद एक और रचना है जिसका नाम क्या है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, दूसरा क्या है मेघदूतम। इसके अलावा मेघदूतम के बाद एक कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। इसके अलावा रघुवंशम और माल विकाग्निमित्रम, ये पांच रचनाएं हैं जिसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, ज़्यादा हिंदी हो गया ना, माल विकाग्निमित्रम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाला है आयोग, ठीक है, चार शिफ्ट में पेपर होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एक और लिख लीजिए, मुद्रा राक्षस, वो कालिदास की नहीं है बट याद कर लीजिए, मुद्रा राक्षस किसकी है, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है, इसको लिखा है विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को, ठीक। ये कुछ रचनाएं हैं, इसको आप याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, अपनी नोट्स में एक बार लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई गया, ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या फिर रायदास, अभी अभी मैंने बताया कालिदास है ना, कालिदास इसका राइट आंसर है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, ऑप्शंस कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री या कुमार देवी, राइट आंसर क्या है, प्रभावती गुप्त, ठीक है। बताया था मैंने आपको प्रभावती गुप्त के बारे में, किसकी बेटी थी ये, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, जिसकी जो शादी हुई थी उसमें उनका प्रभावती गुप्त का जो पति था उसकी जल्दी से बहुत कम एज में डेथ हो जाती है, जिसके बाद अब उसका जो नाबालिग बेटा होता है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन पूरा का शासन का जो बागडोर थी, जो उसकी कमान थी, वो संभालता कौन है, वो संभालता है प्रभावती गुप्त संभालती है, ठीक है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया, आपके ऑप्शंस हैं चाणक्य, विष्णु सॉरी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त, राइट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान चीन से भारत आता है, और अपनी कई सारी किताबों में इसने गुप्त वंश के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ऑप्शंस हैं आपके मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, राजपूत काल, जाहिर सी बात है गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल ही होगा, बट वैसे भी गुप्त काल को सच में स्वर्ण युग कहा जाता था, किसका, आपका प्राचीन इतिहास में इसको स्वर्ण काल कहा गया है, कई सारी चीज़ों का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला हो गया, चाहे वो आपका स्थापत्य कला के बाद साहित्य हो गया, शिक्षा हो गया, सबका स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो यही यही रहा आपका क्वेश्चन आज का, आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपका जो पूरा का पूरा गुप्त काल है मैंने इसमें पूरा कवर कर दिया है, और इसके बाहर आई एम 110% श्योर एंड सर्टेन कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं, कुछ भी अब बचा नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, क्लास का एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कल शायद वर्धन है अपने सिलेबस में, कल वर्धन के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है, अच्छा कर रहे हैं अगर आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अच्छा करने का ट्राई करिए, और नोट्स लेकर के बैठा करिए, नोट्स आपको पढ़े लिखते चलना है, काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है, और जो हमारा टारगेट है क्या, ये है ना, बोलूँगा नहीं मैं, ये इसको क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। ओके, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल।